यशराज फिल्म्स की धूम बॉलीवुड की सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में से एक है। बीते कई रोज से धूम 4 को लेकर अलग अलग खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब धूम 4 को लेकर एक और खबर मिल रही है कि इसके डायरेक्टर का नाम फाइनल हो गया है। आदित्य चोपड़ा की धूम फ्रेंचाइजी की चौथे पार्ट को लेकर काफ़ी वक्त से चर्चा हो रही है। हाल ही में धूम 4 को लेकर खबर आई थी कि फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए थे। वायरफ की धूम बॉलीवुड की सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में से एक है। अब धूम 4 को लेकर एक खबर मिल रही है कि इसके डायरेक्टर का नाम सामने आ गया है। साल 2004 में रिलीज हुई धूम में जॉन अब्राहम ने अपने अंदाज से लोगों को दीवाना बना दिया और दूसरे पार्ट में ऋतिक रोशन ने सभी को हैरान कर दिया, तो वहीं तीसरा पार्ट आमिर खान के नाम रहा था। पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि यशराज फिल्म्स की धूम फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि धूम 4 को विजय कृष्ण आचार्य डायरेक्ट करने वाले हैं। विजय कृष्ण आचार्य करेंगे धूम 4 का डायरेक्शन। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि विजय कृष्ण आचार्य उर्फ विक्टर धूम 4 का डायरेक्शन करेंगे और उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट भी लिखी है। विजय कृष्ण ने धूम के पिछले पार्ट भी लिखे हैं और एक पार्ट का डायरेक्शन किया था, इसीलिए इस बार भी ये जिम्मेदारी उन्हें मिली है। वो इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर दोनों का काम संभालेंगे। विजय कृष्ण ने धूम 3 को डायरेक्ट किया था, जो उस समय बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार करना होगा। धूम की पिछली तीनों फिल्मों को अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा पुलिस की भूमिका में नजर आए थे। हालांकि धूम 4 में कौन कौन से कलाकार नजर आएंगे इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। क्या धूम 4 में होगी रणबीर कपूर की एंट्री? हाल ही में ऐसी खबर मिली थी कि धूम 4 में रणबीर कपूर की एंट्री हो गई है और रणबीर इस में लीड एक्टर के रोल में नजर आएंगे। हालांकि जूम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि धूम 4 में रणबीर को लेकर आए रिपोर्ट्स फेक हैं। धूम 4 को लेकर अभी कोई बात ही नहीं हो रही है। फिल्म की कहानी भी अभी फाइनल नहीं हुई है, इसीलिए कास्ट के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब भी ये फिल्म बनेगी, ये ओरिजिनल कास्ट के साथ ही बनाई जाएगी।